हेलो किड्स सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट डी यू एल एल बी हमने काफ़ी सारी एंट्रेंस टेस्ट्स कवर की है येस uh, अकेडमी yes के चैनल पर आप वो सारी एंट्रेंस टेस्ट की इंफॉर्मेशन देख पाएंगे आई एम अमृता छाजेद एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटीज लॉ कोर्स सो दैट इज डी यू एल एल बी एंड द एंट्रेंस टेस्ट दैट यू नीड टू अपियर फॉर टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज चलिए देखते हैं सो डी यू एल एल बी

इसमें कोई रैंकिंग या सच नहीं है ये सारे तीनों अच्छे कॉलेजेस हैं एंड दे आर एट विद ईच अदर अदर देन कॉलेज टाइमिंग्स सीरियसली नो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस फैकल्टी अच्छी है सपोर्ट स्टाफ लाइब्रेरी यू नो ऑल द फैक्टर्स आर इक्विवेलेंट इन ऑल दीज थ्री सेंटर्स आगे बढ़ते हैं नाउ सीट्स कितने हैं uh, अगर यू नो यू कैन सी द टेबल योर यू आर एज अनरिजर्व कैटेगरी एंड बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स है तीनों सेंटर्स में वेरी सिमिलर नंबर सो यू नो वन वन फाइव सिक्स यहाँ पे टोटल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सीट्स है देन यू हैव ओ बी सी टू सिक्सटी एस सी एस टी ऑल दीज कैटेगरीज आर There. So total 1156 uh, six seats. Hai, that this is what I'm talking about, campus law center. If you go to you know law center one, again 1154. Very similar uh, campus law center to 1156. So across very similar number of seats you have in all the, these three centers. Now, exam dates. This is a tentative schedule. So March may in forms forms. थर्ड वीक ऑफ जून में इनकी लास्ट डेट होगी टू अप्लाई फॉर दी एंट्रेंस टेस्ट फोर्थ वीक ऑफ जून दे रिलीज द एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वुड बी योर एंट्रेंस टेस्ट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई दे रिलीज द डेट्स एंड थर्ड वीक ऑफ जुलाई जिनको जिनको यहाँ पे एडमिशन मिली है उनकी काउंसलिंग होगी सो या इफ यू इफ यू कंपेयर दिस विद अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट इनका स्केड्यूल थोड़ा सा

But number of questions, if you go to see, and it's variable every year. Okay, so it's not that 20 marks is English, hai, 30 marks is law. It's not that. I've just given you a bracket. This bracket mein thoda variable. Hota hai. So 15 to 20. 20 to 25 is general knowledge. 20 to 25, again, is your analytical ability. 25 to 30 is legal awareness and aptitude. So, legal awareness and aptitude is pe, uh, weightage of 25 to. 30. Now about legal awareness, like I said, these sare subjects ke liye, I'll be talking more, uh, you know, in the uh, following slides. Now current answer ke liye apko four marks hai. Negative marking is minus one. So yes, DU does have negative marking. Please remember. Unanswered ke liye, you won't be getting any score. Like. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इफ यू डू नॉट आंसर अ पर्टिकुलर ए क्वेश्चन बट अगर आप आंसर करते हो गलत होता है तो माइनस वन टोटल मार्क्स फोर हंड्रेड मीन फोर हंड्रेड मार्क्स का पेपर देने जा रहे हैं ऐसे बहुत बहुत ज्यादा लगता है बट एवरी क्वेश्चन हैज फोर मार्क्स माइनस वन नेगेटिव मार्किंग ठीक है सो हंड्रेड क्वेश्चन इफ यू अप्लाई मैथ्स योर इट्स हंड्रेड क्वेश्चन सो गॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चन एज वेल देर नाउ एग्जाम पैटर्न कैसे है ऑनलाइन है इंग्लिश मीडियम है टेस्ट ड्यूरेशन इज टू आवर्स सो फोर हंड्रेड मार्क्स है तो इसलिए तीन चार घंटे का एग्जाम नहीं है इट्स स्टिल वन ट्वेंटी मिनट्स लाइक मोस्ट अदर लो एंट्रेंस टेस्ट एम सी क्यूज है इनका पैटर्न एंड हंड्रेड क्वेश्चन लाइक आई सेड ना ना एलिजिबिलिटी इज यू हैव टू यू

इंटीग्रेटेड कोर्सेस डेली यूनिवर्सिटी डज नॉट ऑफर इंटीग्रेटेड कोर्सेस जो बी ए है बी बी ए है ये कोर्सेस वो नहीं ऑफर करते सो बी एल एल बी 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 एल एल बी ये वाले कोर्सेस नहीं है चलिए नाउ इंग्लिश लेट्स लुक एट दिलेबस दैट वी हैव थ्री थिंग्स योर vocabulary, grammar, comprehension. Okay, so you have to concentrate on all three. vocabulary, for example, concept type questions. what is the synonym of this word? what is the antonym of this word? so you vocabulary vocabulary section yeah? or uh, correct the spelling of the following words. so again, that becomes a part of vocabulary. grammar, you have sentence correction. that's a part of grammar. then comprehension, you have uh, passages given and you have to answer the questions. राइट नाउ विन वन एवर यू हैव अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं सो डायरेक्ट क्वेश्चन आज जिनके आंसर्स आपको डायरेक्टली पैसेज में होंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो वाले होते हैं जहाँ पे आपको आंसर खुद से यू नो यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू डिराइव द आंसर इन टर्म्स ऑफ वॉट इज द Tone of the passage. So the tone of the passage is not given in the passage. They would not say that this is descriptive passage. passage and you have to derive your answer that the ka tone this passage yeah? So such questions are also asked. So direct and indirect questions. Yeah? Now, uh, so I've pretty much uh, summed up for you the entire uh, English uh, language syllabus. Spotting the errors. Yeah. करेक्ट स्पेलिंग जैसे वो वो कैबलरी का पार्ट एक्सेट्रा नाउ जनरल नॉलेज स्टैटिक एंड करंट बोथ आर आस्ट अगेन वेरी सिमिलर वेरी सिमिलर टू वॉट अदर एंट्रेंस टेस्ट हैव यहाँ पे भी जनरल नॉलेज को दो में डिवाइड किया गया है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के सो आपको दोनों की तैयारी करनी होगी और टॉपिक्स भी वेरी सिमिलर है पॉलिटिक्स जोग्राफी साइंस टेक्नोलॉजी बुक्स एंड ऑथर्स फॉर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स आपको लास्ट सेवन एट मंथ्स का ज्यादा पढ़ना है या हाईली रेकमेंडेड सेवन एट मंथ्स है उसके पहले का भी यू कैन स्टार्ट सो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट के एक साल पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है एंड आपको ज्यादा स्ट्रेस देना होता है लास्ट सेवन एट मंथ्स पर देन एनालिटिकल एबिलिटीज लाइक आई सेड मुझे यू नो हम गोनो एक्सप्लेन दिस फॉर्दर इसमें मैथ्स भी है मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं सो so जभी भी हम रीजनिंग की बात करते हैं दूसरे टेस्ट्स में मैथ्स नहीं पूछा जाता है लाइक एमएच सी टी हैज़ अ सेपरेट मैथ्स सेक्शन ओके और ग्रेजुएट मतलब यू नो एल एल बी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है एमएच सी टी उसमें तो मैथ्स है ही नहीं बट डी यू हैज मैथ्स और उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं मैंशन किया है सो so, बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिस आउट करते हैं एंड दे जस्ट टिक टू रीजनिंग बट ऐसा नहीं है डी यू में मैथ्स भी पूछा जाता है एंड आई गिव यू एग्जाम्पल्स एज वेल but apart from that reasoning mein hai, statement assumption you have number test coding decoding blood relations directions pretty much similar to the other entrance test and along with that you have to study number system percentage average profit loss time and distance uh, probability Venn diagrams see sara aapko karna hai i'm not saying bus maths jaega, but maths bhi pucha jata hai aur yeh hidden hai under analytical abilities so मैथ्स तो फेस करना पड़ेगा बॉस यार लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस देयर इज अनादर फैक्टर जो स्लाइटली डिफरेंट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट है टॉट है मैग्जिम्स है एवरीथिंग इज देर बट अवेयरनेस भी सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट लीगल अफेयर्स ऑल्सो ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट सो ये दोनों आपको करने हैं सो लीगल अवेयरनेस इज ऑलमोस्ट लाइक लीगल अफेयर्स फॉर दैट योर सो आपको लीगल अफेयर्स पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ने हैं फॉर दैट योर या सो एंड देन लीगल एप्टीट्यूड प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन आते हैं

ये सारे इसमें जम्मू कोलकाता सो दे हैव हैवेटी मच यू नो कवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे थ्रू सिटीज लाइक दिज आर द सिटीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता लखनऊ मुंबई नागपुर पटना रायपुर रांची शिलोंग शिमला श्रीनगर त्रिवेंद्रम वाराणसी विशाखापट्टनम सो ये सारे टेस्ट सेंटर्स है यहाँ पे आप जाके आप अपनी एग्जाम दे सकते हो या yeah. चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ दिस इज something that i wanted to point out because because ye i usually do uh, you know discuss questions when i talk about any particular law entrance exam So ye jo hai let's understand this we are clear syllabus kya hai we are clear kitne marks ka क्वेश्चन पेपर है लीगल एप्टीट्यूड का या फिर लीगल पार्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है

Then, yeah, on August 15, 1947, the cabinet of independent India consisted of, then you, you know, they've given the option and then you choose the correct option. Russian Revolution took place in the year. So again, this is static GK. Kafi pehle ka pooch rahe hai ye. Financial inclusion index is to be released by which of this body? Which among the following launched the online dispute resolution handbook? yeah again if you see online dispute, uh, dispute resolution handbook it's also related to legal affairs uh, so because it's talking about dispute then uh, further let's let's understand so yeah you're clear with uh, what kind of legal awareness questions are asked static gk kya hai again moving further the nobel prize for 2020 because मतलब पहले का क्वेश्चन पेपर है दिस इज 21 22 का जो क्वेश्चन पेपर है दैट्स वाई 2020 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है अगर मतलब जब आप 23 का एग्जाम देंगे तो ये 2020 का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे करंट अफेयर्स ऑफ दैट ईयर या नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अज अवार्डेड बाई सो कौन से इसमें सो दिस इन अ वे नोबल प्राइज यू नो यू हैव टू नो कि उस साल नोबल प्राइज किसको दिया बट इफ़ यू सी ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन द नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज अवार्डेड बाय दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी के इट्स नॉट करंट अफेयर्स बिकॉज दिस इज ये हमेशा जो होता है दैट इज गिवन बायो ए जो ए ऑप्शन है यहाँ इन ये ही देती है सो द नोबल असेंबली स्टॉकॉन में स्वीडन में ये वाली दिस इंस्टीट्यूट अवॉर्ड दोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी सो यह स्टैटिक का पार्ट हो गया अभी एट द नेक्स्ट पार्ट एक यहां पर check the 30th question a person sold a watch for rupees 1520 and thereby lo you know, loses 5% in order to gain 10% she has to sell the watch for so again this is your uh, selling price and you know cost price selling price everything this in a way is a part of math but it has been asked here yeah. so you math karna do hai of the three numbers the first is the half of the second and twice the third. The average of these numbers is 42. Okay, I'm not kind of darani you? but yeah, you just have to know maths. And because it's analytical ability, so clear, This is the passage that we have. I've already told you passage type questions. Direct, indirect, and passage hai. The reason that locks theory has survived the test of time is. बिकॉज ऑफ़ दीज रीजन्स अगेन यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज ये इनडिरेक्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं दिया गया है दैट वी ऑल आर गॉड्स प्रॉपर्टी दैट वी ऑल आर नोबड़ी इज प्रॉपर्टी दैट इज थ्योरी वॉर सेक्युलर ऑल दो ऑप्शन हैव बीन गिवन सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी आस्ट डी यू के बारे में जस्ट इन शॉर्ट फोर हंड्रेड क्वेश्चन सॉरी हंड्रेड क्वेश्चन फोर हंड्रेड मार्क्स का पेपर है नेगेटिव मार्किंग है and uh, you have only 120 minutes so hai ki 400 uh, marks ka paper it to time hai. 100 questions hai, 120 minutes hai. Uh, legal awareness two things that um, in a way differentiates due entrance is one legal awareness hai, and second we talk about analytical ability maths is also included if you have any further questions related to due uh, uh, entrance test do put them in the comment section, and I'll be happy to answer all of them. Thank you so much. All the best, and bye.